डीपी आर यू 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 डीपी तेरी गुंडा गर्दी नहीं चलेगी आर यू डीपी तेरी गुंडा गर्दी नहीं चलेगी आर यू डीपी तेरी गुंडा गर्दी नहीं चलेगी आर यू डीपी तेरी गुंडा गर्दी आर यू डीपी तेरी गुंडा गर्दी नहीं चलेगी आर यू डीपी तेरी गुंडा गर्दी नहीं चलेगी आर यू डीपी तेरी गुंडा गर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आर यू डीपी तेरी गुंडा गर्दी तीन महीने ओके आए हम सारे पास वापस उसी जगह आके खड़े हुए हमारा काम कोई किया नहीं जा रहे पार्षद पहले भी तीन महीने पहले भी हंगामा हुआ था आईयूडीपी के खिलाफ। ये हंगामा इसलिए दोबारा हुआ है कि जो भी इन्होंने काम किया है पूर्णतः घटिया क्वालिटी का किया गया है। उन्होंने जो जी शेड्यूल के अनुसार काम होना चाहिए वो बीकानेर में हमारा काम नहीं हुआ है। हमारे बीकानेर के पश्चिम भाग किस्मी देसर बीना शहर सुजान देसर श्रीराम शहर गंगा शहर वहाँ पे चौधरी कॉलोनी वहाँ पे जो भी काम हुआ है चोपड़ा बाड़ी वहाँ पर जो भी काम हुआ है अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ है। प्लस हमने पीछे भी ये घेराव किया था हंगामा हुआ था तो इन्होंने बड़े बड़े अधिकारी आके हमसे वादे किए कि जो भी आपके वार्ड के काम पेंडिंग है हम सारे काम पूर्णतः करेंगे, लेकिन वो सारे वादे झूठे हैं और जनता के साथ इनको कोई मतलब नहीं है। आज हमें पार्षदों को सारे इकट्ठे को फिर से आना पड़ा है। प्रशासन से हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो बीकानेर में काम आईयूडीपी कर रही है वो बढ़िया तरीके से की जाए। अगर नहीं करेगी तो जनता रास्ता रोकेगी, सड़कें जाम करेगी और आईयूडीपी पर घेराव किया जाएगा और ऐसी इस कंपनी को हम यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे। जनता में भयंकर आक्रोश है। जगह जगह रोडें टूटी हुई पड़ी है और सुजान देसर के अंदर ब्राह्मणों मोहल्ले में पानी वहाँ पर जबरदस्त घिरा हुआ है। लोगों के मकान टूट चुके हैं, उनको मकानों को मुआवजा दिलाया जाए और सिवलैंड जो भी पड़ी हुई नहीं पड़ी हुई है हर गलियों में पेंडिंग है वो सारी गलियों में सिवलैंड डाली जाए। हमें ये सारी लिखित के अंदर अगर ये देते हैं आश्वासन तो ये हम काम करने देंगे, वरना हम सारा काम कल से बंद करवाएंगे और जनता सारी हमारे साथ है।